करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। करड़ी सेना परिवार ने रायपुर में भी उग्र विरोध किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीते 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में दिन दहाड़े घर में मिलने के बहाने से आकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिससे संपूर्ण देश आहत है और क्षत्रिय समाज इतना ज्यादा आक्रोशित है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आक्रोश प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लगातार वह न्याय की मांग कर रहे हैं। उसी कड़ी में करड़ी सेना परिवार छत्तीसगढ़ के प्रमुख वीरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में करड़ी सेना की पूरी टीम ने एकजुट होकर 6 दिसंबर 2023 को मध्याह्न 3 बजे से रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव पर शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें उग्र रूप से प्रदर्शन के साथ यह मांग करी गई कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित मानी जाएगी। यदि प्रशासन जल्द ही अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठाता है तो देश भर में करड़ी सेना के भीषण विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा उन्हें। इस संबंध में छत्तीसगढ़ करड़ी सेना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ करड़ी सैनिकों ने मरीन ड्राइव से कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर तक पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट रायपुर एवं राज्यपाल छत्तीसगढ़ को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द गोगामेड़ी जी के हत्यारों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। जिंदा।